जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे न्यू डेयरी फार्म। डेयरी फार्म की विज़िट की है तो आज हम आपको दिखाएंगे एक नया डेयरी फार्म जिसमें सारी आपको अमेरिकन हीफर्स नज़र आ रही हैं। ये सारी जो जितनी भी हैं ये सारी अमेरिकन हीफर्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। अब इनकी फीड रेडी हो चुकी है, सिर्फ मिक्सिंग रहती है। ये देखें इस एनिमल को, ये मिल्क सकलर प्रिवेंटर लगाने का मकसद ये है कि दूसरे एनिमल को तंग ना करे, उन्हें सक ना करे, उनकी मिल्किंग ना करे। इस वजह से इसे मिल्क सकलिंग प्रिवेंटर लगाया हुआ है ग्रीन कलर का। ये मिक्सिंग हो रही है फीड की, ये आप देख सकते हैं। ये मैनुअली जिसे कहते हैं ना, यहाँ TMR अवेलेबल नहीं है तो मैनुअली जिसे कहते हैं वो मिक्सिंग हो रही है मैनुअल तरीके से। उसके बाद ये जब मिक्सिंग हो जाएगी तो एनिमल के सामने फीड की जाएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं वो सामने साइलेज पड़ा हुआ है, आसपास का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ को मिल्किंग एनिमल नहीं है, इस वजह से यहाँ पार्लर जो है मिल्किंग पार्लर वो फंक्शनल नहीं है, नहीं तो आपको उसकी भी उसका भी विज़िट कराते। ये देखें हम मिक्सिंग, ये मिक्सिंग के बाद फीडिंग एनिमल के आगे की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। ये आप सामने सारा व्यू देख सकते हैं डेयरी फार्म के इर्द गिर्द। ये सारी हीफर्स हैं, इनमें प्रेग्नेंट हीफर्स भी हैं और नॉन प्रेग्नेंट हीफर्स भी हैं। ये फार्म रेयर हीफर्स, ये आप देख सकते हैं ये सारे एनिमल जो हैं वो फीडिंग पे हैं। मिक्सिंग के बाद फीडिंग एनिमल के सामने कर दिए तो माशाल्लाह सारे एनिमल फीडिंग पे हैं। तो आज हमने देखा कि एनिमल को मैनुअल फीडिंग, मिक्सिंग और उनके सामने फीड कैसे करते हैं, ये आप देख सकते हैं।